Assalamualaikum, hope so you are doing good. So, आज हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ की, ठीक है। अच्छा, तो होता कुछ यूँ है कि भाई आपको वावा रख के चूने लगाए जाते हैं, और ये चूना जो है ना आपको लगाया जाता है मैट्रिक लेवल से, ठीक है। लाइक जब आप मैट्रिक में आते हो ना, लाइक 9th-10th में आते हो, तो आपको कहा जाता है कि बेटा पढ़ लो, ठीक है, ये आपकी बेस है, आप बेस कंप्लीट कर लो, लाइक आप बेस बना लो, बायो रख लो, कंप्यूटर रख लो, वट एवर जो भी आपको सब्जेक्ट रखने रख लो, ताकि आपका जो है ना बेस बन जाए, आप लोगों की इंटर करना है आप लोगों ने, फिर आगे जो भी फील्ड चूज़ करनी है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब जब आप रो धो के 8th-9th-10th पढ़ लेते हो, फिर आपकी बारी आ जाती है इंटर की। में इंटर में आपको क्या सुनाया जाता है कि बेटा इंटर कर लो, मेरी आवाज़ को जस्ट इग्नोर करो क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हुई है। खैर, इंटर में आपको क्या कहा जाता है कि बेटा इंटर कर लो, इंटर में जो है ना अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है ना एडमिशन मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर पे हो या गवर्नमेंट सेक्टर पे, व्हाटएवर। अच्छा, जब आप फिर वो भी कर लेते हो, रोध हो के आप इंटर भी पास कर लेते हो, तो जनाब फिर आ जाती है आपकी सही ख्वारी। अच्छा, सेकेंडली आपकी असल ख्वारी स्टार्ट होती कहाँ से है? आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो ना, लाइक आप UMD चले जाओ, UET चले जाओ, UOL आ जाओ, या व्हाटएवर किसी भी चले जाओ, सो भाई पहले तो आपकी जो है ना लोकेशन ही नहीं एडजस्ट होती है। जब आप किसी को बताओ ना, जी मैं UOL जाती हूँ, नॉट आपकी आप यूनिवर्सिटी की कोई इज्जत नहीं होती है। आपको लोग क्या कह रहे होते हैं, अच्छा अच्छा वो भुक्तियाँ चौंक वाली, हाँ वो जो डिफेंस रोड पे है यार, मतलब मैं क्या, हमारी यूनिवर्सिटी की कोई इज्जत नहीं है। सीधी तरह कौन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉर्ड ना, जहाँ पे लोगों को कोई तरीका ही ना मिलता, तो लोग पता क्या कहते हैं, अच्छा वो जो गंदे नाले के पास है यार। सीरियसली, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी की कोई इज्जत नहीं है हम लोग। अच्छा, उसके बाद जब आप आते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो यार फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हो ना, आप बहुत ज़्यादा लिटरली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ना लिटरली थोड़ी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, लोग इतने सारे होंगे, ये वो फलाना। सो लोग आपको कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं, आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हो, क्योंकि को एजुकेशन में कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। सो उससे भी काफ़ी लोगों को ना थोड़ा हेजिटेट हो रहा होता है कि यार बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ेंगे। खैर, तो फर्स्ट डे जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो ना, तो आप लोग देखते हो कि काफ़ी बोल्ड माहौल है, ये वो फलाना, आप थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हो, आप उसको माहौल को ना जज़ब कर रहे हो, तो आप देख रहे होते हो कि माहौल किस तरह का है आपके इर्द गिर्द का। खैर, जब आप आ जाते हो, आप क्लासेस वगैरह लेते हो, आप यूनिवर्सिटी घूमते फिरते हो, इधर उधर देखते हो, तो पहली बात तो ये कि यार आपको ना यूनिवर्सिटी लाइफ में A to Z स्नैक्स मिलते हैं, ठीक है, स्नैक्स। इसलिए यहाँ से कि आपके डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं ना, उनको छोड़ के आप, लाइक जैसे अब हम लोग DPT वाले हैं ना, तो अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो हमें लोग मालशिया करते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट को, लेकिन फिर हम लोग जो है ना पूरा मुकाबला करते हैं। अब कसाई भी तो होते हैं, कसाई मतलब MBBS वाले, ठीक है। तो वही मुकाबला हम लोगों को पूरा करना होता है, चाहे DPT वाले हों चाहे MBBS वाले हों। तो आपके डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी A to Z सारे जो है ना वो स्नैक्स होते हैं आपके पास, और कुछ नहीं होता। पता चले मेरे डिपार्टमेंट वाले लोग मुझे खारिज कर दे यूनिवर्सिटी से, नहीं। उसके बाद जनाब आप आ जाते हो, लाइक जब आप फर्स्ट सेमेस्टर अपना पढ़ रहे होते हो ना, जब आपने एडमिशन लिया होता है, जैसे आप 2-3 दिन आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बेबी स्टेप ले रहे होते हो ना, आपके सिर पे ये बात मुसल्लत कर दी जाती है कि आपके मेट्स आने लगे हैं। और जहाँ पे जनाब बच्चों को पता चलता है ना कि यार हमारे मेट्स हमारे सर पे खड़े हैं, और आपको पता चलता है कि यार आपने जो इतने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं ना, उन्हीं लेक्चर्स में से आपके जो है ना मेट्स आने हैं। अब मेट्स का पैटर्न क्या होता है कि आपके पास MCQ होते हैं और SCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो लेकिन खैर वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की फट जाती है, क्योंकि एक तो पहला सेमेस्टर होता है, उसके बाद आपको पता भी नहीं होता पेपर पैटर्न्स ये वो ETC, तो वहाँ पे बच्चों के बिल्कुल मेरे तो लग गए, समझ गए आप क्या। तो जनाब खैर हम लोग रो धो के भी बच्चे जो हैं वो मिड्स भी दे लेते हैं कि चलो यार मिड्स दे लिए, अब ये सब ये कड़वा घूंट भी पी लेते हैं हम। खैर इस कड़वे घूंट के बाद आपको पता चलता है कि लाइक जब आप मिड्स दे के ना नेक्स्ट डे आप यूनिवर्सिटी आते हो ना, क्योंकि मिड्स के बाद आपको कोई ऑफ होने का सीन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। किसी भी आगे यूनिवर्सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपको कोई छुट्टी नहीं होती है, फिर हम लोग क्लास अपनी यूनिटी दिखाते हैं और हम छुट्टी करते हैं, लेकिन बाकी यूनिट्स का मुझे नहीं पता। अच्छा खैर जब आप नेक्स्ट डे आते हो ना, तो आपको साथ ही पता चल जाता है कि सर आपके जनाब फाइनल्स 2 महीने बाद, लाइक अगर आप कहो ना कि आपके मार्च में आपको हो कि आप मिड्स दे रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि जून में आपके फाइनल्स हैं।
सीरियसली यार आप लोग बिल्कुल वहाँ हम लोगों की जान निकलने वाली हो जाती है कि यार अभी तो मिड्स दे के हटे हैं और फाइनल्स, और सबसे ज़्यादा जान कब निकलती है व्हेन यू नो डैट कि आपका मिड्स का और आपका फाइनल्स का सिलेबस सारा शामिल है। ओह टू बी ऑनेस्ट ये लाइक मरने वाला सीन होता है हम। खैर उसके बाद आप जनाब अपने मिड्स और फाइनल से जैसे ही फ्री होते हो तो आपको लोगों को टेंशन पड़ जाती है GPA की, CGPA की। तो और उसके बाद ज़्यादा जो आप लोगों को टेंशन पड़ती है वो ये पड़ती है कि जब आपको पता ये चलता है कि यहाँ पे मार्क्स का कोई सीन नहीं है, आपकी ग्रेडिंग्स होती हैं और आपको जो है CGPA आपका काउंट होता है, मार्क्स का तो कोई सीन ही नहीं होता। लाइक वो बस आपको टीचर्स बताती हैं आपके 100 में से 82 मार्क्स हैं, 84, 80 से इस तरह का, और रिजल्ट में आप लोगों को क्या शो होता है कि आपका CGPA इतना है और आपकी ग्रेडिंग है A+ है, A- है, B+ है, B- है, व्हाटएवर जो भी सीन होता है। सो बस ये जो चीज़ें होती है ना ये फर्स्ट सेमेस्टर में बंदे को हिला के रख देती हैं और अगले आने वाले 9 सेमेस्टर के ना बच्चे को तैयार कर देती हैं कि बेटा यू हैव टू बी रेडी, आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी और बहुत सारी चीज़ें। खैर रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अभी आप लोग फाइनल्स दे के हटते हो ना तो आपको साथ ही आपके यूनिवर्सिटी वाले मैसेज कर देंगे बेटा आपके टीचर्स ने आपका वाइवा अरेंज किया है, सो यू हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा और आपको वाइवा देना पड़ेगा। वाइवा में भी आपका पहला एक्सपीरियंस के यार पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, लाइक कोई सीन नहीं होता, पता कुछ नहीं होता। सो वहाँ पे भी जो है आपकी बिल्कुल बस हो जाती है कि यार वाइवा का क्या सीन है, वाइवा में पता नहीं क्या आएगा, लैब का वर्क होता है, थ्योरी का वर्क होता है आपका। सो वो भी बच्चे की जान निकाल लेता है कि यार अब तो बस गए हम, पक्के कंफर्म गए। और इसमें ये होता है कि अगर आप थ्योरी में पास हो ना और अगर आप वाइवा में फेल हो तो आप फेल ही कंसीडर होते हो, आप पास नहीं हो। जब आपको ये सुनने को मिल रहा है ना टू बी ऑनेस्ट बंदे की रूह कांप जाती है एक दफ़ा कि यार अगर लैब में रह गए ना हम, सॉरी वाइवा में रह गए ना अगर हम लोग तो बस हम तो पक्के गए। अच्छा तो फिर उसके बाद जनाब ये सारा कुछ ख़त्म होने के बाद आपको कोई मेरे ख्याल से एक वीक की या डेढ़ वीक की आपको ऑफ होता है कि आप जाते हो और उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर के लिए आप दोबारा ज्वाइन करते हो जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अच्छा एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं भूल गई बिल्कुल, वो ये कि फ़ाइनल से पहले जो है ना आपको असाइनमेंट, क्विजेस और वाइवा ये चीज़ें जो है ना मुसल्लत कर दी जाती हैं आपके सर पे कि आपके फ़ाइनल से पहले ये चीज़ें भी हैं। और असाइनमेंट कोई एक मतलब एक दो नहीं होती हैं, हर सब्जेक्ट की आपकी 3 से 4 असाइनमेंट्स होती हैं, हर सब्जेक्ट के आपके 3 से 4 क्विजेस होते हैं। और हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बंदे को फिर तसल्ली होती जाती है क्योंकि यूज टू तो आपको होना ही होना है, आफ्टर ऑल आपको 5 साल लाइक आपको 9-10 सेमेस्टर कंप्लीट करने हैं, आपको आदत तो आपको हो ही जाती है। सो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। अगर आप फर्स्ट डे से खुद को इन चीज़ों का आदि कर लेते हो ना तो आप नॉर्मल रहते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट डे से खुद को आदि नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली आपके 9 सेमेस्टर तक आपके लिए मुश्किल ही रहेंगी। अच्छा एक और चीज़, अगर कोई आपको कहना कि यूनिवर्सिटी लाइफ में इन्जॉय होता है तो यार इन्जॉय आपने खुद करना होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना लाइक मेरी अकॉर्डिंग टू माई मामा, जैसे मैं मामा को बातें बताती हूँ कि अच्छा ये ऐसे है, लोग ऐसे हैं, ये वो फलाना, सो मेरी मामा के ना एक ही बयान होता है। मेरी मामा का कहना है कि यूनिवर्सिटी लाइफ है ना वो लड़कियों को लोगों की परख सिखाता है कि लोगों को कैसे जांचना है, कैसे करना है, क्योंकि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में हम लोगों ने सिर्फ गर्ल्स देखी होती हैं या बहुत हद दो तो लोग कुछ लोग होते हैं जिन्होंने को एजुकेशन में पढ़ा होता है, सो उन लोगों को ना लोगों की इतनी पहचान नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा मुझे कहती तो समझदार हो गई, उससे पहले मैं बहुत नकम्मी और नालायक नादान लड़की। हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है, मेरी मामा एक कहावत बोलती हैं क्या थी, दूर के ढोल सुहाने, और इसका मतलब यही है कि यार आपको जो दूर से चीज़ प्यारी लग रही है ना तो वो असल में प्यारी नहीं होती है। और यही कि लाइक आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट करने ना हो, इस चीज़ के साथ ना हो कि सिर्फ डिग्री लेने जा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, ये वो फलाना, आप ये सोचो कि यार एक तो डिग्री तो मिल रही है, आपको साथ एक्सपीरियंस मिल रहा है ना सिर्फ आपकी फील्ड से रिलेटेड, ऑल्सो फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। आपको लाइक मैं टू बी ऑनेस्ट में ये कहती हूँ कि वाकई बहुत फ़ायदा होता है यूनिवर्सिटी, जो लड़कियाँ यूनिवर्सिटी आती हैं ना उनको वाकई लोगों की पहचान हो जाती है। सो बस एट द एंड यही कि यार आप लोग यूनियर लाइफ को खुद भी इंजॉय करो, ठीक है, और अपनी फील्ड की इज्जत करवाओ। और इसके अलावा जो है ना अगर कोई लाइक आपको लगे ना कि कोई नेगेटिव बात है यूनिवर्सिटी लाइफ के रिलेटेड, तो यार कोई नेगेटिविटी नहीं है इसमें, ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ब्लॉग बनाया जाता है, लेकिन यूनि लाइफ जो है ना वो बहुत मज़े की होती है, ठीक है, आप तब तक जब तक कि आप उसको खुद अच्छा रखते हो। और क्या पढ़ाई पे फोकस करो, डिग्री पे फोकस करो, इंजॉय करो, लोगों को तंग करो, बस इतना करो, इससे ज़्यादा नहीं करो, ठीक है।
खैर अगर इसमें फिर भी कोई नेगेटिविटी लग रही होगी तो कतई तौर पे नेगेटिविटी नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइफ चिल करो, एंजॉय करो। अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये ना कहना कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, और बस आज का व्लॉग ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे। आई होप सो आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। इसी तरह के व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफ़िज़।